इन दिस क्वेश्चन एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू टू, तो हमें क्या करना है, हमें रेंज बतानी है 1 बाई एक्स की। तो 1 बाई एक्स की अगर हम रेंज लिखेंगे तो सबसे पहले 1 बाई एक्स के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारे यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, बस इसमें हमारी जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं आएगी बिकॉज उसमें डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे अगर हम 1 बाई एक्स देखें तो इफ एक्स टेंस टू जीरो प्लस हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, तो इस पॉइंट पे जो हमारा 1 बाई एक्स की वैल्यू है ये क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये प्लस इनफाइनाइट की डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली अगर मैं x टेंस टू जीरो माइनस पे लिमिट देखूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी टेंस टू माइनस इनफिनिटी। नाउ अब जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी ये 1 बाई एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो इट मीन्स हम कहाँ तक जा रहे हैं, ओनली 2 तक जा रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, वेन x टेंस टू 2 हो जाएगा, x टेंस टू 2 तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी उस केस में क्या हो जाएगी, 1 बाई 2 हो जाएगी। तो हमारी जो वैल्यू डिक्रीज होते होते प्लस इन्फिनिटी से कहाँ पे आ जाएगी, 1 बाय 2 पर आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमें समझने की बात है। सिमिलरली हमारी वैल्यू क्या थी, x टेंस टू 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी थी, फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, सॉरी डिक्रीज होती जा रही है, ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे ही हमारी वैल्यू जब क्या है मिनिमम वैल्यू माइनस थ्री, सॉरी तो x टेंस टू माइनस थ्री होगी तो ये वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, इंक्रीज होकर कितना जाती है, माइनस 1/3। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लेट्स सी कैसा होगा इसका ग्राफ, तो ये हमारी एक्सिस है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज माइनस 3 एंड दिस पॉइंट इज 2, तो प्लस एक्स पे वैल्यू क्या होती है, कुछ प्लस इनफाइनाइट जा रही होती है, तो ये वैल्यू आती है 1/2 तक। ऐसे ही माइनस एक्स पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, और क्या जाती है वैल्यू, माइनस 1/3। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा, है ना। तो ये जो हमारी रेंज हो जाती है, इसकी रेंज वो क्या होती है, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो रेंज बिलोंग्स टू हो जाएगी कहां से कहां तक, माइनस इनफिनिटी टू माइनस व्हाट, माइनस 1/3, और ये भी इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन क्या हो जाएगा, 1/2 टू इनफिनिटी। तो ये आ जाएगी हमारी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।